नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सोनी छिंदवाड़ा से। आज हम बात करेंगे चने की दाल पर बजरंग ट्रेडर्स के जुनेजा जी से। इनसे पूछेंगे कि चने की दाल में अभी क्या रेट चल रहे हैं और आने वाले समय में इसमें क्या तेज़ी देखी जा सकती है। हम बात करते हैं जुनेजा जी से। चने की अभी पोजीशन, अभी चने के भाव हैं चना दाल के 77 से 78 प्रति क्विंटल, 7800 से 7800 प्रति क्विंटल। 15 दिन पहले इनके भाव थे 7000 से 7071-72। चने की ये दिनों में नई आवक आती है और इस बार उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा कम है और अभी लगातार मंडियों में कम आवक होने के कारण क्रशिम शार्टेज की वजह से चने के भाव में तेज़ी आई है और मेरा ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय मंडियों में आवक बढ़ेगी और चने में लगभग कम से कम कुछ नहीं तो 100-200-300 रुपये की तेज़ी आएगी। भविष्य में यह है कि चने का उत्पादन कम है, भविष्य तेज़ी के सूचांक है, लेकिन वो कब आएगी ये नहीं पता। प्रेजेंट में अगर चने की आवक बढ़ती है और मौसम की वजह से भी अभी चने की पूरी घानी नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा सा अभी ज़रा प्रेशर आवक का कमज़ोर है मंडियों में, इसलिए चने में तेज़ी है। आने वाले समय में अगर प्रेशर बढ़ेगा तो करेक्शन आएगा 200-300 रुपये का और आने वाले भविष्य में थोड़ा सा तेज़ होगा। तो ये जो मौसम को लेके अभी चना जो कम हुआ है, इसको देखते हुए कितनी कमी आई है मतलब उत्पादन में? चने का जैसे सरकारी आंकड़े आते हैं तो उस हिसाब से पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 5 से 10% बोनी कम हुई है। 5 से 10% बोनी कम होने का मेरे पास आंकड़े नहीं है, पर आंकड़े आते हैं गवर्नमेंट के कि पिछली बार जैसे मेरा ऐसा अंदाज है, मेरा मतलब पढ़ाऊँ जो 42 लाख टन पिछली बार जैसे उत्पादन हुआ था, इस बार उससे 5 लाख टन होगा, मतलब 37 लाख टन। तो आखिर वो गैप आया और आयात भी इस बार पड़ता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से चना आता है अभी इस समय और वो भी टाइम है, इसलिए मौसम के कारण उत्पादन बोनी कम हुई है, इसलिए आवक कमज़ोर है। लेकिन जैसे जैसे गानी होगी, थोड़ा सा मौसम साफ होगा, चना और आएगा, पर आगे तेज़ी का ही वातावरण रहेगा। सरकार द्वारा जो स्टॉक किया गया है तो अभी उसको कब तक खोलने की उम्मीद है? उन्होंने 2000 सरकार की तरफ से 2023 का स्टॉक रिलीज कर दिया, 2022 का स्टॉक रिलीज कर दिया गया है 22-23 का। अब वो नए परचेसिंग होगी, जब उनकी नया आवक चना खरीद लेंगे उसके बाद फिर वो अपना टेंडर मतलब जारी करते हैं, अभी उनका टेंडर नहीं जारी नहीं हो रहा। तो आने वाले समय में चना और उछाल लेगा? और उछाल सकता है, सकता शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट अपना जब समय समय पे स्टॉक रिलीज करती है तो वो तेज़ी को थोड़ा दबा देती है। तो ये था चना, आने वाले समय में और ऊंचाइयों पे जा सकता है ऐसा जुनेजा जी बता रहे हैं। मार्केट टाइम टीवी से मुकेश सोनी छिंदवाड़ा। 14 रुपये।